गाइस, और एकदम से मैंने देखा कि यहाँ पे आ गया हमारा बक्कू। और अब मैं आपको ये डिजाइन दिखाती हूँ कि मैं ये बनवाने वाली हूँ। आप सभी को चांद मुबारक, बकरीद मुबारक। और आज का आउटफिट है मेरा ये। तो मैं रेडी तो हो चुकी थी अब, लेकिन मुझसे मिलने के लिए सैम स्क्वाड आया। इसको देखो कितनी खुजली है ऑर्डर करने की। बिरयानी ऑर्डर कर। हमेशा जवाब पुकी जो है ना, वो हमारे बीच में रह जाता है। पुकी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है चांद रात, तो आप सभी को हमारी तरफ से चांद रात मुबारक हो। और कल है बकरीद। मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं बाहर से आई हूँ, और अभी हम लोगों को थोड़ी सी मेहंदी भी लगानी है। और हमने इस बार मेहंदी के लिए किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि हमने सोचा था कि हम खुद से मेहंदी लगाएंगे, वो भी थोड़ी बहुत। हमारा बकरा भी नहीं आया, आज ही रात को आएगा हमारा बकरा। अभी तो 10 ही बज रहे हैं, रात में आ जाएगा बकरा। बकरा आएगा तो मैं आपको दिखा ही दूंगी, वैसे तो बकरे को भी दिखा दूंगी, बकरे से मिलवा दूंगी। बकरे और मक्कू की जो फ्रेंडशिप हो जाती है वो भी दिखा देंगे। और चलो, मक्कू बड़ा हो गया इस बार, लेकिन नहीं, वो तो फ्रेंडशिप कर लेता है। वैसे मिमसी भी है, मिमसी भी कर लेती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं जाकर बस चेंज करूँ। चेंज तो मैंने कर लिया है, और हम लोग आज कुछ शॉपिंग करके लाए। वैसे मेरी बकरीद की ड्रेस जो है वो कब की मैंने लेकर रख ली थी, और फिटिंग करके भी सब सेट रखा है बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस बार, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, मतलब मेरे पास सब कुछ रेडी है, बिल्कुल तैयार। मतलब अभी मैं थोड़ा सा अपने रूम को क्लीन करूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मेहंदी का कुछ, और थोड़ा बहुत मैं भी व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूं। चलो फिर अभी हम जल्दी से चलते हैं, आगे का जो भी कुछ होता रहेगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहो समरीन अली व्लॉग्स। आप सभी को चांद रात मुबारक, बकरीद मुबारक। यहाँ मेरा मुक्की आ चुका है, जो कि आप सभी को कहना चाहता है बकरीद मुबारक। सबको 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 बकरीद मुबारक। ये कह रहा है मुक्कू, बोलो। तो मुक्की बोल रहा है आप सभी से। आप लोग भी कमेंट में अगर बकरीद के बाद भी ब्लॉग देख रहे हो तो बकरीद मुबारक लिख देना, ताकि ताकि जब मकासा कमेंट पड़े तो उसको बहुत अच्छा लगे। क्या आप लोगों ने बोला उसको, ऐसे प्यार भी करवा लेता है मुझसे, ऐसे करके प्यार करवाता है बिल्कुल। गाइस, और एकदम से मैंने देखा कि यहाँ पे आ गया हमारा बक्कू। ये है हमारा प्यारा बकरा, माशाल्लाह प्यारा माशाल्लाह बकरा, बक्कू, क्यूटी बक्कू। गाइस, यहाँ पे हमारा बकरा खा रहा है, क्योंकि इसको भूख लगी है, तभी आया है, तो इसलिए खा रहा है। तभी इसको खाने देते हैं, अच्छे से खा लो। और इसका नाम रखा है बक्कू। गाइस, यहाँ पे मकासा आ चुका है, और इसको देख रहा है बकरे को, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन आ गया, ये फ्रेंड है तुम्हारा, ये देख नहीं रहा है। जब मैं आपको मिल रही हूँ मेहंदी लगाने के टाइम पे, और मैंने हल्का सा यहाँ पे चांद बनवाया था, अब मैं चांद रच भी। और अब मैं आपको ये डिजाइन दिखाती हूँ कि मैं ये बनवाने वाली हूँ। मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना लग रहा था कि मैं क्या ही बनाऊंगी यार, लेट हो गया, और आज बकरा ईद है। सिर्फ ये जो शख्स है ना, इसकी वजह से, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने की कोई नहीं, मैं थक गई थी, मैं सो गई थी रात, सो गई रात में, मैं उठा रही थी पर मुझे लगाया ही नहीं, फिर मैं भी सो गई। देखते हैं कि ये बन पाता है नहीं, यहाँ पर कुछ तो बन पाएगा यार। आपको ट्रांजिशन करके दिखाऊंगी। 3, 2, 1, और फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है, जो कि काफी कम लगी है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने इतना ही लगाया, क्योंकि ये हट जाती है यार, तो मैंने नहीं लगाया, बस इतना लगाई है। चांद तारे कुछ बना लिए मैंने, मुझे ये ठीक लग रहा है। फाइनली मैं रेडी होने आ चुकी हूँ, और अब मैं रेडी हो रही हूँ पूरे 4 बजे, मतलब कि अब मेरा मन कर रहा है कि ठीक है, अब जाते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, और अब फ्रेंड में जाते पहले, उसके बाद चलते हैं। रेडी तो अब होना ही पड़ेगा यार। मेकअप मैंने दिखा दो, यहाँ पे रख रखा है सारा, यहाँ पे देख लो, इसने कितना मेस फैला रखा है, बैठ के मेकअप कर रही है, सारा मेकअप इधर से उधर हुआ हुआ है। चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ। कैमरामैन महजबीन, ओ मेरी चाय जल गई। तो मैं अभी आ गई थी अपनी ट्रांजिशन रील्स बनाने के लिए कुछ, लेकिन देखती हूँ मैं, अगर बन पाएगा तो बन पाएगा, और नहीं बना होगा तो मैं नहीं डालू, अभी कुछ भी बना के डाल दूंगी। अभी मैं अपना मेकअप पूरा करने जा रही हूँ, अभी नहीं हुआ है मेकअप। चलो मेकअप को पूरा डन करते अच्छे से, आई मेकअप भी नहीं हुआ है अभी, तो चलो देखते हैं कैसा मेकअप होता है। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अपना आई लुक कैसा करूँ, क्योंकि मेरा आउटफिट भी अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, जो कि कौन सा कलर है यार उसका, समझ में भी नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। मैंने अपना मेकअप कर लिया फाइनली, और हमने 5 बजा दिए मेकअप करते करते, लेकिन हमें मतलब लगा कि यार करना ही क्या है, वैसे भी तैयार व्यारी तो होना है, और क्या ही करना है, अपने ड्रेस को प्रेस भी करना पड़ेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा आउटफिट जो है वो कौन सा है, क्या है, कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो। ये है मेरा आउटफिट आज का, और ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न में, और ये ना इसका बीच से कटिंग हुई है, जब मैं पहनूंगी ना तो आपको तब समझ में आएगा। और आज का आउटफिट है मेरा ये, नीचे के लिए पैंट्स हैं शरारा टाइप है कुछ, और इसके साथ मुझे एक ये भी मिला है, ये उसको मुझे ऐसे बैग की तरह टांग के चलना है, सही लग रहा है मुझे ये। पहले मैं जाती हूँ, पहले मुझे अपने हेयर को क्या करना है, कुछ तो करना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले आउटफिट ही अपना चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूंगी। पहले चलते हैं, इसको हम जल्दी से करते हैं चेंज, और अब मैं आपको मिलती हूँ इसको चेंज करने के बाद।
तो मैं अभी मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है और अब मैं अपनी हेयर स्टाइल के लिए आ गई हूँ और मैंने कर्लर लगा लिया जो कि गर्म हो रहा है अभी और ये गर्म हो जाए एक बार अच्छे से, उसके बाद अपनी हेयर स्टाइल बनाएंगे। और मेरा मेकअप जो मैंने कुछ ऐसा किया है देख सकते हो आप लोग, और मेकअप ये देखो मैं ये दिख रही हूँ यहाँ पे, ये कलर है मेरा आउटफिट का। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। बहुत हैवी है ये, मतलब हैवी नहीं है ऐसे, इसका काम जो ना वो बहुत हैवी है। और ये मैंने कब से लेकर रख लिया था क्योंकि मुझे बकरीद के लिए मुझे इतना टेंशन नहीं करनी थी। हम दोनों ने बहुत ही पहले अपना टाइम पे लेकर रख लिया था अपना आउटफिट और हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं। एक ब्लैक है और एक ये है, ये देखो इसका जो ये वाला वर्क है ना ये काफी ज्यादा हैवी है लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। अब जल्दी से हेयर स्टाइल कर लेते हैं अपनी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने आप लोगों को अपनी मेहंदी नहीं दिखाई थी ना कि वो जो कि रच चुकी है, ये देखो ये मैंने लगाया था, मैंने लगाया था मतलब लगवाया था, लगा ही नहीं दिया यार अच्छे से, तो मैंने मुझे ये लगाना पड़ा। अभी कैसा लग रहा है? एक वो था मुझे कि मतलब मेहंदी लगानी है, मतलब हर बार मिस नहीं करती हूँ मैं मेहंदी लगा, तो मैंने इतना तो लगा ही लिया अपना एंड एंड तक कुछ भी करके। एक ये जो बाल का कर्ल हो गया है इस पे मैं स्प्रे करूंगी जल्दी से ताकि ये फिर टिका रहे। अभी मैंने वॉश किया था, नहा के आई थी और भी वॉश किया था मैंने, फिर मेरे बालों में वो लग जाएगा स्प्रे। फाइनली मैं आ चुकी हूँ रेडी होकर, मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी कर ली है। हेयर स्टाइल क्या ही किया, बस मैंने कर्ल्स किया है, कुछ भी नहीं किया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। मैंने मतलब मुझे इतना ही रखना था बस आज के लिए, मुझे ना वैसे भी सर दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि इतनी गर्मी है ना और हमारे रूम का जो एसी है ना वो थोड़ा सा खराब हो चुका है तो बहुत दिक्कत हो रही है, इतना परेशान हो रही हूँ ना तैयार होने में, इतना मुश्किल से तैयार हुए हम लेकिन फिर भी हो गए। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं ऐसे ही लुक रख लेते हैं, आप लोग बताना कि हम कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। और ये मेरा जो सूट है कुछ ऐसे इस तरह से कट हुआ हुआ है, मैं आपको अच्छे से आउटफिट दिखाऊंगी। इसको कोई दुपट्टा भी नहीं है लेकिन हाँ इसके साथ मुझे एक बैग मिला है जिसमें मैं अपना कुछ रख सकती हूँ, पोटली टाइप है ये, कुछ ऐसे लेकर चल सकते हैं इसको ऐसे करके। अब गाइस चलो हम लोग कुछ बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं कि यार इसे घर में रहकर क्या ही करने वाले हैं, कुछ भी ऐसे नहीं करने वाले, मुझे पिक्चर्स भी क्लिक करनी है तो वो तो मैं घर में ही कर लूंगी ऐसे ही। मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसे ही चलते हैं बाहर थोड़ा सा अपने फिरने के लिए, तो चलो चलते हैं। और आप लोग अपने ईद के आउटफिट का कलर जो है ना वो मुझे अभी कभी कमेंट करके बता दो कि कौन सा कलर आपने पहना था, तो मेरा आई मेकअप कैसा लगा वो भी मुझे बताना। और मैंने तो अपनी कटिंग अभी कुछ टाइम पहले ही करवाई थी, बिल्कुल अभी मुंबई जब जा रही थी मैं तब उससे पहले, बिल्कुल ये ऐसे फ्रेश अच्छा लग रहा है। रेडी तो हो चुकी थी अब, लेकिन मुझसे मिलने के लिए सैम स्क्वाड आया है मुझसे मिलने के लिए और एक बच्ची आई है प्यारी सी। हेलो, मैं देखो नहीं होती हूँ तभी इसलिए हो जाता है ऐसा। अब तो फाइनली मिल ली है, यहाँ पर है हमारे साथ जवाद। हैप्पी बर्थडे जवाद, सॉरी हैप्पी बकराईद, बकराईद मुबारक। ये बकराईद और गाइस ये ज्यादा व्लॉगिंग हो रही है गाइस, मैंने एक क्लिप बनाई थी वो डिलीट हो गई, फिर से वही सेम एक्टिंग की तरह कर रही हूं। ये रीटेक टू चल रहा है, रीटेक चल रहा है हमारा। जवाद हमारी पुकी है, बेस्टी पुकी, जवाद पुकी, पुकी जवाद हैशटैग जवाद पुकी है, ऐसे करके दिखा दूं मैं। ला ला रेटो ला 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 पुकी ने कर दिया गाइस, पुकी जो है ना वो सुन लिया पुकी ने। अच्छा अब मैं बताती हूँ कि गाइस मैं बनी हूँ बकरा, ये भी बकरा ब्लू बकरा, मैं दूसरे कलर का बकरा और ये ब्लैक बकरा जो कि फोटो खींचने में ही लगा पड़ा है। पर आपने कुछ अलग ही रंग का बकरा पहना है, अलग रंग का बकरा नहीं है ये, बकरे को ना रंग दिया गया, बकरे के पास होली के लिए गई, बकरे को पूरा रंग दिया ताकि मैं थोड़ा ज्यादा महंगे दाम में बिकू ना, इसलिए मैं नया बकरा हूँ गाइस। गाइस मैं तो सोच रही हूँ ना ही पहन कर जाऊँ, ये इतने हैवी ज्यादा कपड़े लग रहे हैं मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा पहन के जाने का। जामुन आप शादी तो है आज मेरी, आज है मेरी शादी। नाबालिग की शादी गाइस मेरी शादी जल्दी है, इसको शादी कट करो, कट करो इसको, कट होगा कट नहीं होगा मेरे ब्लॉग में डालना। तो क्या शादी के बाद ब्लॉग करूंगी अपने पति के साथ गाइज। मैं अब हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाने का, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मेरा ना बहुत इरिटेट हो रही है, मेरी ना पिक्चर भी क्लिक नहीं हो पा रही, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगा था कि मैं क्या करूं, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं बाहर। और जाते हैं बाहर, फिर जाने के बाद फिर हम लोग सोचे कि कुछ करें क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर चलते हैं। और मैं इसी लुक में जाने वाली क्योंकि क्या हो गया ईद है तो हम लोग जा सकते हैं। और अभी वो छोटी सी बच्ची मिलने के लिए आई थी, काफी दूर रहती है वहां से आई थी, तो फिर उसको थैंक यू। और बहुत बच्चे आज मिलने के लिए आए भी थे तो मैं उनसे मिल चुकी हूँ वैसे तो, अब और अगर आएंगे तो मैंने उनको बोल दिया कि थोड़ी देर बाद आना क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं आप लोगों को अभी तुरंत दूसरे
लुक में दिख रही हूँ यहाँ पे, दूसरा लुक मैंने ऐसे करके चेंज कर लिया पूरा, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर में जा रही हूँ ना, तो मेरे जो आउटफिट ना कुछ ज्यादा हैवी लग रहा था, तो सबने कहा कि नहीं 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 बहुत हैवी, ये लोग स्पेशली ये शादी वाली भाई मेहंदी वाले का गलत बोल रहे हैं यार, सही बोल रहे हो यार, आप बताना कमेंट में। मैंने तभी सोचा कि मैं चलो चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे लुक में जाऊंगी बाहर, फिर आने के बाद फिर चेंज करूंगी, उसके बाद फोटो जो भी लेनी है वो लूंगी। पहले मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा चलो पहले खाने के लिए चलते हैं, तो चलो अब पहले चलते हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 12:37। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, चाह चुके हैं हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर, और ये ना ये लड़की जो इसके दांत में लिपस्टिक लगी थी और पूरा, और वो उसमें इतना वो कर रही है, ग्लॉस था तो गलती से दांत पे रेड रेड हो रहा था पूरा, झूठी है। अरे इन्होंने अभी खुद भी किया। चलो चलते हैं अभी हम जल्दी से भागते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे कपड़े नहीं दिलाएगा ईद के, और ये कपड़े गलत बात हमारी। चलो चलो फिर हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीपी, क्योंकि वही हमें सबसे सारा पास पड़ेगा, अभी टाइम क्या हो रहा था, टाइम बज रहे हैं 9:56 बज गए यार, 2000 बज रहे हैं। बस एक वो है कि हमें कुछ चीज खानी है, हमने सोचा कि वो चीज अगर हमें नहीं मिली तो फिर देख चाय यार, ये मेरी हेल्प कर रहा है अभी फ्लैश लाइट ऑन करके, तो ये कोई हेल्प वो कोई कोई वो तो नहीं है ना, गलत गलत ही है, गलत काम करवा रही है, नहीं चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड को बोलता है, तो चाइल्ड देख लो, चाइल्ड ही नहीं हो वो, चाइल्ड ही ये चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चाइल्ड है जो की है। गाइस मैं फाइनली आ चुकी हूँ सीपी, हम सीपी आ गए हैं, टक्कर चलो अंदर चले। अब मेकअप इतना ज्यादा कर रखा है ना आज मैंने, मतलब कि नॉर्मल से तो ज्यादा ही किया ना आज, क्योंकि ईद है, थोड़ा अलग मेकअप किया तो वो दिख रहा होगा आप लोगों को, पर ठीक लग रहा है मुझे, ऐसे बाल भी अच्छे लगते बोलता है ऐसे कर्ल्स करके, अब से मैं किया करूंगी ये वाला ट्राई। हम लोग आ चुके खाने के लिए, चलो कुछ ऑर्डर करते जल्दी से, और इस कैमरे को चारों की बैटरी लग दो ना, खा लिया है फाइनली, बहुत ज्यादा भूख लगी, भूख अब मिट चुकी मेरी, तो भूख मिट गई है भाई सबकी, भूख मिट चुकी है यहाँ पे, हमने खा लिया है, अब हम खाने के बाद जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब मुझे पिक्चर क्लिक करनी है अपनी, तो मैं जा रही हूँ। इसको देखो कितनी खुजली है ऑर्डर करने की, बिरयानी बिरयानी ऑर्डर की 3-4 प्लेट है भाई, खूब खा रही है भाई, बकरीद पे खूब चिकन खा रही है भाई, दो नान ऊपर से मुझे धमकी दे रही है कि अगर तुमने फोटो शूट नहीं किया ना तुम्हारा दाड़ में तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, बोल ठीक है मेरा लो भी बोल रही है। फ्राइड राइस होगा ना ये, ठीक है जवाद हमेशा दो लड़के के बीच में बच जाता कह रही हूँ, हमेशा जवाद पुकी जो है ना वो हमारे बीच में रह जाता है, पुकी ये देखो ये पुकी है, तो ये पुकी जो है हमारे साथ हमेशा दोनों लड़कियों के बीच फंस जाता है, करो भाई मैं नहीं करता, यहाँ पर खाना पैक करवा लिया, और साथ में हमने एक आइसक्रीम भी खाई जो कि पान वाली थी, काफी ज्यादा हम लोग खाने के लिए आए हैं, कुछ खाने के लिए पैक करवाने के लिए आए हैं, कुछ घर के लिए, समझ रहे हैं आप, घर के लिए, तो दूसरों को क्या बोल रही है, आपको बोल रही है सिर्फ, इन लोगों को नहीं बोल रही, ज्यादा बोल रही है ना, तो यहाँ पर बड़ी शांति से हो रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है वाइफ सेट है। गाइस मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ, फिर से मेरा एक काम है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने के बाद मुझे पिक्चर्स लेनी है यार, क्या कर रही हूँ मैं ये, लेकिन हमें बाहर कुछ ज्यादा आज मजा आया, मतलब काफी सही था सर जो भी कुछ था, अभी तो हमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट मिल गई, नहीं क्या क्या लोग देखने को मिल रहे थे ना, इतना ज्यादा हंसी आ रही थी, चलो मैं चेंज कर लेती जाके, उसके बाद फिर सीधा आराम करूंगी, बहुत थक गई हूँ। मैंने अभी फिर से आउटफिट पहना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मिरर में दिखा देती हूँ कि ये मेरा आउटफिट है, जो कि ऐसे शरारा टाइप में, हाँ शरारा टाइप में, और ये कुछ ऐसे कट्टा हुआ है ऐसे करके, जो बहुत प्यारा लग रहा था वैसे, तो काफी हैवी है वैसे ये, हम ये सारे आउटफिट को फिर से यूज करने वाले अच्छे से, क्योंकि आज मैंने सही से यूज नहीं किया, मैं तो पहना ही एक घंटे के लिए समझ लो यार, अभी फिर पहना भी उतारने जा रही हूँ, मैंने इसमें पिक्चर्स तो शायद ले ली, वीडियोस हो गई है, तो मैं सोचा चलो इसको रख देते हैं, इतना न्यू सा लग रहा है ना मुझे, मैंने ऐसे कट का कुछ लिया नहीं था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था, आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने आज मिरर सेल्फीज भी ले ली। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टोरी क्या थी, इसकी स्टोरी ये थी कि ये मैंने लिया था ईद के टाइम पे ही, पर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, ईद के टाइम पे ही ले लिया था मैंने, और फिर क्या हुआ था कि मैं ना ले लिया, मैंने पैसे वैसे दे दिए, काफी अच्छा तगड़े अमाउंट का था ये, मैंने सोच लिया था कि पहले दिन पहनूंगी, अब तो घर आई तो सोचा यार नहीं मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो घूमूं जिसमें ना, तो ऐसे वीडियो में थोड़ा ऐसे आए, लेकिन इसमें कुछ घूमने पे होगा नहीं इस पे, तो फिर क्या हुआ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल बदल गया, और फिर मुझे लगा कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर सबने कहा कि चलो ये रख दो इसको, बाद में पहनना इसको, और ये मैंने शॉप से उठाया तक भी, क्योंकि मुझे उसकी वहां पे उसका टेलर को देना था ये, तो उनके पास मैं गई ही नहीं उस दिन के बाद से, बस पेमेंट वेमेंट करके नाम वाम लिखवा दिया, फोटो भी ले ली मैंने इसकी, सब कुछ ले लिया,
पर मैंने ना कुछ किया नहीं, मतलब उठाया नहीं इसको। अब जाकर अब आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं लाजपत जा रही हूँ किसी दिन इंस्टा स्टोरी या किसी स्नैप स्टोरी में, तो मैं इसको लेने के लिए गई। मैंने फिर इसको लिया ईद बकरीद के 10 दिन पहले मैंने लिया इसको। इसकी जो थोड़ी फिटिंग थी ना वो अभी भी थोड़ी सी ऐसे लूज है, इन कोई बात नहीं है। फिर मैं इसको कराऊंगी अब जब मुझे नेक्स्ट पहनना होगा तब के हिसाब से, मैंने तब इसको लिया है। वो भैया मुझे बार बार कॉल करके बोलते रहते थे कि आप भूल गए क्या, लेना नहीं है क्या, पहनना नहीं है। मैंने कहा भैया मैं पहनूंगी बकरीद में पहनूंगी, अब कोई बात नहीं। फिर जब मैं उनके पास से लेने गई ना, वो मुझे याद कर रहे थे कि आप बड़े दिन बाद आए, लेना नहीं था भूल गए थे। मैंने कहा याद तो मुझे था पर मैं लेने आ पाई हूँ आपके पास से। यहाँ पे सारा जो सामान हमने कूड़ा कचरा करा था वो सारा हम लोग समेट रहे हैं, और क्योंकि अभी रात हो चुकी है तो फिर हम डिनर करेंगे कुछ देर बाद भी, तो मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी 1% की भी। तो रात में हम पहले ये सब चेंज वेंज कर लेते हैं तो उसके बाद। दुनिया का हर सुकून एक तरफ, और जब आप पूरे तैयार हुए हो उसके बाद जब अपने कपड़े घर के चेंज करते हो वो पहनने का सुकून जो होता है वो एक तरफ। दूसरा सुकून है कि जब आप तैयार हुए हो और उसके बाद जब अपना मेकअप रिमूव करोगे, मेकअप रिमूव करने के बाद जब आप वो फेस वॉश करके आते हो अपना, वो सुकून एक तरफ। मुझे वो सब बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा। बस अब मुझे वो ये कपड़ों वाला सुकून तो मिल गया है, मेकअप वाला सुकून मिल जाएगा। और गाइस मेरी मेहंदी ये देखो, ये लगाई थी मैंने, दूसरी बार आपको दिखाया है, मैंने बस लगा लिया यार, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी पिक्चर्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करे, फॉलो करे जल्दी से जाकर Samreen142, और आप ट्रूली Samreen को भी फॉलो कर सकते हो ताकि वहां पर आपको मेरी और भी कुछ ऐसे उल्टी पुल्टी रील्स देखने को मिलती रहे। हां मैं कुछ भी पोस्ट कर देती हूं, मतलब कुछ भी पोस्ट देखने के लिए ट्रूली को फॉलो करे, और बाकी सारे पोस्ट देखने के लिए Samreen142 को, और दोनों को फॉलो करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। और आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोगों को मेरे हर घंटे की अपडेट पता चलती रहे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब क्या शूट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है मेरी, उसकी सारी अपडेट्स, एक एक चीज की अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे करती हूँ, देती हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अपने व्हाट्सएप पे जाओ, जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो जो स्टेटस का होता है वहाँ पर, जो अपडेट्स का होता है ना वहाँ पर, नीचे आप जाओगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, आप उसको जाओ जाकर फॉलो करो, और म्यूट मत रखना वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये चीज कर लो अभी के अभी जाके। तो बस गाइस अगर आपको बकरीद का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बकरीद के ब्लॉग में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैंने बकरा भी दिखाया था हमारा जो कि बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, और आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने अपना आउटफिट कौन से कलर का लिया था। हम लोग बाहर गए, हम लोगों को बहुत मजा आया, मतलब हम लोगों का सब कुछ नॉर्मल ही था, ऐसे कुछ प्लानिंग हम लोगों ने की नहीं थी तो इसलिए वैसा गया सब कुछ। लास्ट ईयर भी ऐसी था, लास्ट ईयर तो मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी पर मैं इस बार अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाई, किसी से भी नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।